हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे कैंपेन वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आईबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। ठीक है, सो सीआईआरपी क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो बेसिकली दिस इज अ रिकवरी मैकेनिज्म, यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज अ रिकवरी मैकेनिज्म थ्रू विच जो कॉर्पोरेट डेटर है कैन कम आउट ऑफ इट्स इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हेल्प करता है कॉर्पोरेट डेटर को, सीडी को, रिजॉल्व करने में अपना इंसॉल्वेंसी। ओके, सो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ही कम आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो हु कैन इनिशिएट दिस प्रोसेस एंड ऑल विल बी लुकिंग अहेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू द ईमेल आईडी or you can even call us or visit our website. We are there to help you out. Now, who may initiate this particular process, the corporate insolvency resolution process? So there are three categories jo ki code mein provided hai. Pehla, financial creditors, then the operational creditors and then the corporate applicant. Theek hai? Ab ye teen categories hote kya hai? Ye jo pehla do hai, usme hume dikh raha hai ki creditor hai ye, common hai. Ye dono creditors hai, ye hume samajh mein aa raha hai. But what is the difference between these two? So basically, इन सिंपल टर्म्स यू कैन अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वैसे क्रेडिटर्स हैं कॉर्पोरेट डेटर के जो कि लेंड कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट फैसिलिटी कॉर्पोरेट डेटर को, एंड उनका रिलेशनशिप प्योरली फाइनेंशियल है विद द कॉर्पोरेट डेटर। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करें तो वो वैसे कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जो कि कॉर्पोरेट डेटर को प्रोवाइड करते हैं गुड्स और सर्विसेज। ओके, और उससे रिलेटेड पेमेंट्स ड्यू है, पेंडिंग है। एंड द थर्ड इज कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, विच इज अ वाइडर टर्म यू कैन से, दिस हैज आल्सो बीन डिफाइंड अंडर द कोड, एंड ये इन्वॉल्व करता है, कंटेन करता है सर्टेन कैटेगरीज। ओके, जिसमें कि कॉर्पोरेट डेटर इज हिमसेल्फ इंक्लूडेड, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट डेटर के जो मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है जो कि ऑथराइज्ड है फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एक्सेप्ट, देन पर्सन जिनके पास कंट्रोल या सुपरविजन है फाइनेंशियल अफेयर्स जो भी कॉर्पोरेट डेटा का उसका। सो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इज नॉट ओनली द सीडी, इज ऑल्सो द आइदर ऑफ द अदर कैटेगरीज अंडर दिस विच आई जस्ट नाउ मेंशन। ओके, सो कौन इनिशिएट कर सकता है? FCOCCA, सो ये लोग इनिशिएट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि हाउ इट कैन बी डन। सो एप्लीकेशन करेगी ये पार्टीज अथॉरिटी को। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये सारे स्टेप्स या ये सारे प्रोसीजर्स कॉमन है हमारे थ्री कैटेगरीज के लिए। जब वो एप्लीकेशन करेंगे, सो एप्लीकेशन ऑल द थ्री कैटेगरीज विल बी मेकिंग टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ओनली। वो फर्निश करेंगे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, या फिर विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑल्सो अ लिटिल डिफरेंस इज देयर विच आई विल बी कवरिंग इन द फर्दर स्लाइड। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि जो ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी है, इस थ्री कैटेगरीज के लिए जो भी कॉमन है प्रोसीजर वो यहाँ पे। ठीक है, सो पार्टीज दे विल बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन दे विल बी फर्निशिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ओके, दैट विल बी लुकिंग फर्दर। देन जब अथॉरिटी को रिसीव होता है एप्लीकेशन, सो विद इन 14 डेज अथॉरिटी विल हैव टू असर्टेन वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट और नॉट, एंड दैट अथॉरिटी कैन डू फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो कि हमारी रिपोजिटरी है, एंड अदर एविडेंस जो भी फर्निश किया जाएगा। आफ्टर दैट वोट authority has to do is either accept the application or reject the application. Ab jab accept karegi application, there will be certain grounds based on which or which will be considered for accepting the application, like ki default occur hua hai, application complete hai, jo resolution professional propose kiya gaya uske against koi disciplinary proceedings pending nahi hai and all. Reject hoga, the things which will be considered is for rejecting the application is default occur hi nahi hua, application incomplete hai, ya fir disciplinary proceedings जो है pending है resolution professional के against, so those are the grounds on which it can be rejected. However, जब authority reject कर रही है, so वो provide करेगी 7 days का time so that वो जो mistake है that can be rectified in the application. Okay, but when the application is being accepted by the authority, then over there the corporate insolvency resolution process that commences. Okay, so इसीलिए जो commencement date हो
CIRP का, दैट इज द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. सो वंस द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एडमिटेड बाय द अथॉरिटी द एंटायर प्रोसेस दैट बिगिंस. नाउ जो मैं आपको पहले बता रही थी कि थोड़ा डिफरेंस है, ये जो पहला स्लाइड हमने देखा वहां पे कॉमन एस्पेक्ट्स थे विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ CIRP. यहाँ पे हम जो डिफरेंस है वो देख रहे हैं. ठीक है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है एप्लीकेशन फाइल करेगी अथॉरिटी को एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी फर्निशिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. एंड व्हाट विल दैट बी? रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट जो है, नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो वो प्रपोज करेगी to act as interim resolution professional or any other things or information which the board will be specifying. Board over here is our IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board. Okay. Now, जो operational creditor है, वो जो है, before going ahead and initiating or making the application, there are certain things which he needs to do. ठीक है, वो क्या है? अगर default occur होता है, उस case में operational creditor पहले demand notice जो है, that he'll be giving to the CD with respect to what unpaid operational debt, or it could be copy of the invoice and where he'll be demanding the payment of the default amount. ठीक है, once this is given by the OC to the corporate debtor, then after the expiry of 10 days, ठीक है, ये उसने operational creditor ने दिया corporate debtor को and 10 days जो है expire कर गए, then in that case operational creditor अगर उसे कोई भी payment receive नहीं होता है या notice with respect to dispute, then in that case he can go ahead and make an application and along with the application he'll be furnishing what copy of the invoice, he will be furnishing the demand with respect to the payment, copy of the certificate from the financial institutions that there has been no payment of the unpaid operational debt, etc. Copy of the record with the information utility that will actually be confirming ki koi bhi payment jo hai nahi hua hai of the unpaid operational debt, theek hai, or any other proof that will be confirming about this particular fact that there is no payment with respect to unpaid operational debt. Now if we look onto the corporate applicant, so along with the application they will be furnishing information with respect to the books of accounts, other documents. Resolution professional proposed to be appointed as interim resolution professional, so that is basically common in all the categories. OC, FC will also be proposing the name of the resolution professional who will be acting as interim resolution professional, and corporate debtor will also be providing that a special resolution that has been passed by the shareholders, or there has been a resolution which has been passed by at least 3/4 of the total partners jo bhi corporate debtor ke hain, and that has been passed with respect to approving the application. Okay, ye application file kar sakte hain, uske respect mein this has been passed by the corporate debtor or the corporate applicant. So ye stage aap dekh sakte ho jo थोड़ा डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, एंड जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा दैट वाज कॉमन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस. होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP इज क्लियर. डू स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स.